हाय एवरीवन, मैं कुमकुम सिंह, कुमकुम की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मेरा रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला चाय बन के तैयार हो गया है और बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप घर में बनाइएगा मेरे तरीके से तो घर में इतना खुशबू इसका फैल जाता है कि लोग जल्दी से खाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जल्दी खाना दो। और इसको ये चाय आपको मार्केट से भी लाने की जरूरत नहीं है। मैं इसका वीडियो पहले डाल चुकी हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसको फ्रीजर में रख करके, देखिए मैं इसको फ्रीजर में रखी हूँ, आप देख सकते हैं पॉलीथीन में करके फ्रीजर में रख रही है, पर जम गया है। इसको अब इस तरह से साल का 2 साल भी रखिएगा तो बिल्कुल खराब नहीं होता। तो इसका लिंक मैं इसमें शेयर कर दूंगी, आप इस तरह से बनाइएगा तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और प्योर होगा, इसमें मैदा का मात्रा बहुत कम होता है। तो चलिए, मैं बहुत बकबक कर ली तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मसाला सोया चाप बनाने के लिए देखिए मैं ये चाप ली हूँ, ये देखिए मेरा होममेड चाप है। जैसे मैं इसका पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, देखिए इसको फ्रीजर में रखे हैं, इसमें काफी ये बर्फ जमा हुआ है। अब इसको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए पानी उबल रहा है, उसमें बस 2 मिनट के लिए बस इसको बर्फ इसका खाली गल जाए इतना ही रखना है। इसे बहुत ही आसानी से घर में बना करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसको अब 6 महीने के साल भर भी रखेगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा। बस पानी में उबाल आ जाना चाहिए, उसके बाद में बर्फ इसका गल जाएगा। देखिए इसमें पानी में उबाल आ गया है, बस अब हम गैस का फ्लेम बंद कर दे रहे हैं। इसको निकालेंगे प्लेट में। अब देखिए सोया चाप के स्टिक को हम निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा सारा, इसी तरीके से निकाल लेंगे। देखिए इसको जब नहीं निकले तो इसको इस तरह से आराम से निकल जाएगा। देखिए मेरा सारा स्टिक निकल गया है। अब इसको हम पीस में काट करके तैयार कर ले रहे हैं। अब एक चाकू की मदद से इसको काट कर तैयार कर लेंगे पीस में, इतने बड़े साइज का, 1 इंच से थोड़ा सा ज्यादा, मैंने एक चाप को हम 3 पीस कर रहे हैं। देखिए इसी तरीके सबको काट के तैयार कर लेंगे। आप थोड़ा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। सोया चाप को हम काट करके तैयार कर लिए हैं। अब एक पैन में रिफाइंड डाल दिया है, अब इसको तल के निकालना है। रिफाइंड मेरा गर्म हो रहा है, रिफाइंड को गर्म होने के बाद इसका फ्लेम को मीडियम कर देना है, कम पे, स्लो से थोड़ा ऊपर, और इसको डाल के तलना है, तेज से नहीं तलेंगे। इसको चारों तरफ से टर्न कर लेंगे। एक देखिए चम्मच से इसको पलटने में आसानी होगी आपको। देखिए अब जो जो हो गया उसको निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। देखिए इस तरह का कलर, देखिए मेरा सारा ये चाप को मैं फ्राई करके निकाल ली हूं। देखिए चाप का लेयर आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कितना इस सब में ग्रेवी चला जाएगा और काफी टेस्टी लगेगा। अब चाप को हम मैरिनेट कर ले रहे हैं, इसके लिए इसमें हम देखिए दही डाल दे रहे हैं, इस चम्मच से 4 चम्मच है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही को। एक घर का मलाई है, अगर आपके पास घर का मलाई नहीं हो तो अमूल क्रीम भी यूज कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मलाई भी डाल देंगे, हल्का नमक, सबको मिक्स कर देंगे चाप को इसके अच्छे से, ताकि ये कोट हो जाए। अब इसको ढक करके रख दे रहे हैं, ये चाप का ग्रेवी तैयार कर ले रहे हैं। इसमें देखिए 3 मीडियम साइज के प्याज है, छोटे साइज का 3 टमाटर है, ये 8-10 लहसुन की कलियां, 3-4 हरी मिर्च, अदरक, ये कुछ काजू है, देख सकते हैं। इन सबको मैं हल्का रिफाइंड में फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि रेस्टोरेंट में इसी तरह से बनाया जाता है और काफी टेस्टी लगता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला चाप बना रही हूँ। उसी पैन में देखिए बस 2 चम्मच रिफाइंड रखे हैं, ज्यादा नहीं है, अभी हमको सिर्फ हल्का फ्राई करना है इसको। सबसे पहले हम प्याज डाल देंगे, काजू डाल देंगे, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर थोड़ा लेट से डालेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। देखिए मेरा प्याज का हल्का कलर चेंज होने लगा है, इसको ज्यादा नहीं करना है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दे रही हूं, देखिए हल्का पानी, 2 चम्मच पानी देकर के इसको चला देंगे और ढक देंगे। इसे मेरा टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएगा। इसको 2 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे,
देखिए मेरा प्याज टमाटर हो गया है, अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख रही हूँ, गैस का फ्लेम बंद कर दे रही हूँ। अब मैं सूखा मसाला एक जगह तैयार कर ले रही हूँ, नहीं तो ऐसे अलग अलग डालिएगा तो जलने लगता है। देखिए ये हाफ चम्मच, इस चम्मच से हाफ चम्मच डाली हूँ मैं कश्मीरी मिर्च, हाफ चम्मच किचन किंग, हाफ चम्मच में जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और हरी मिर्च में डाल चुकी पहले, ये हल्दी पाउडर है कलर के लिए। देखिए ये मसाला को मैं मिक्सी के जार में ट्रांसफर करती हूँ, अब इसको ग्राइंड कर ले रही हूँ। देखिए रिफाइंड मेरा गर्म हो रहा है, अब इसमें मैं गर्म मसाला डाली हूँ। देखिए गर्म मसाला में देखिए तेजपत्ता है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग सब डालती हूँ, जीरा। ये मसाला चाप में नहीं पड़ता है, इसमें जीरा नहीं डाली हूँ, आपकी इच्छा हो तो डाल सकते हैं। अब मैं जो मसाला तैयार करके रखी हूँ उसको डाल दे रही हूँ, साथ में ये सूखा मसाला जो था उसको भी डाल देंगे, क्योंकि सूखा मसाला को उनको भूनना है, यदि कच्चा है। फ्लेम को स्लो करके मसाला को भूनना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। और स्लो करने के बाद ये क्या होगा कि तेल सेपरेट होने लगता है, यानी मेरा मसाला अच्छे से भून गया है। अब देख सकते हैं तेल मेरा किनारे, देखिए तेल सब छोड़ने लगा है, मैं कम तेल का इस्तेमाल किया हूँ, ज्यादा तेल डालिएगा तो आपको काफी छोड़ देगा। देखिए मेरा मसाला भून गया, अब इसमें मैं ये चाप को जो मैरिनेट करके रखी हूँ उसको डाल दे रही हूँ, इसको अच्छे से भूनेंगे, मिक्स कर देंगे, तेजी से नहीं करना है क्योंकि ये टूट जाएगा चाप, इसको पलट पलट के हल्का हल्का पलट लेना है इसे। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, देखिए ये मसाला वाला पानी है, अब इसमें डालेंगे देखिए कसूरी मेथी है इसको डाल देंगे, इसको पहले हाथ पे रगड़ लिए, हाथ पे रगड़ के ही डालिएगा, इससे चूरा हो जाता है इससे अच्छे से और काफी इसमें फ्लेवर आ जाएगा सब्जी में। मिला देंगे इसको भी, फ्लेम को स्लो ही रखेंगे अभी। ये देखिए गर्म मसाला है, इसको भी डाल देंगे, गर्म मसाला पहले भी डाल चुके हैं, इसलिए हम हाफ चम्मच ही डाले हैं, और कवर करके हम इसको 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे बस। देखिए सब्जी का कलर भी देख सकते हैं और सुगंध तो इतना है कि पूरा घर में खुशबू, इसका ये हो रहा है किचन एकदम खुशबू से महक रहा है। लेकिन इसको हरी धनिया से गार्निश कर दी हूँ। मैं बताना चाहूंगी कि मैं जब नमक डाली थी तो मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, मैं दिखा नहीं पाई थी, सॉरी। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला चाप बनके तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार बनाइएगा तो बार बार बनाने की इच्छा होगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।